नमस्कार, आइए आज हम आपको सौंफ का शरबत बनाना बताते हैं। सौंफ का शरबत जो है गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है। ये सौंफ जो है बहुत इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये आपको गर्मी में हीट से बचाएगा, लू से बचाएगा, और ये आपके पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और पाचन के लिए भी बहुत ये फ़ायदेमंद है। ये देखिए, ये हमने मोटा सौंफ लिया है। सौंफ दो तरह की आती है, एक महीन एक मोटी। तो मोटे सौंफ में फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हमने बनाने के लिए प्रीमिक्स मोटे सौंफ का इस्तेमाल किया है। तो चलिए, ये 150 ग्राम के करीब मोटी सौंफ है, ये 900 ग्राम चीनी है, ये 2 बड़ा टीस्पून जो है पोस्ते का दाना है जिसको खसखस भी बोलते हैं, ये 20-25 काली मिर्च है और ये 20-25 छोटी इलायची है। तो चलिए, सबसे पहले हम मिक्सर जार लेते हैं। इसमें हमने सौंफ डाल दिया है, एक बार हम इसको चला लेंगे। देखिए, इसका पाउडर हो गया है और इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब आइए हम इसमें चीनी डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, अगर जार आपका छोटा है, बड़ा जार है तो आप एक साथ पीस सकती हैं। अब आइए इसको फिर हम पीस लेते हैं। बाकी चीनी जो है इसको भी हम डाल लेते हैं इसमें, और इसको हमको महीन पीसना है। आइए इसको खोल के हम देखते हैं। देखिए, ये एकदम महीन हो गया है। इसको अब हम चालेंगे, इसको अब हम चाल लेते हैं। इसको इस तरह से आप चाल लीजिए। देखिए, ये मोटा पार्ट इसका हमने छान लिया है। अब आइए इसको हम फिर पीसते हैं। ये इलायची हम डाल देंगे, इलायची भी ठंडक देती है शरीर को, काली मिर्च की भी तासीर ठंडक हो देती है, और इस पोस्ते का दाना जो है इससे आपको ताकत मिलेगी और दिमाग के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आइए इसको भी हम डाल देते हैं। अब इसको हम इसके साथ पीस लेते हैं। देखिए, ये भी पिस गया है। अब इसको भी हम चाल लेते हैं। ये इसको एक बड़े बर्तन में और महीन छलनी से चाल लीजिए। इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जब आप इसको पानी में घोलेंगी तो इसके कुछ क्रिस्टल रह जाते हैं, तो वो मुंह में आएंगे, और महीन छलनी से आप चाल लेंगी तो सब निकल जाएगा और ये पीने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए, ये इस तरह से इसका मोटा पार्ट निकल जाएगा। देखिए, ये जो लास्ट का बचा है ये अब किसी काम का नहीं है, इसको हम फेंक देंगे। आइए अब हम इसको बना के दिखाते हैं। ये 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे, ये हम पानी के साथ बनाएंगे। आप चाहें तो दूध के साथ भी इसको बना सकती हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ पानी से बनाएंगे इसको। आप मीठा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 चम्मच और डाल सकती हैं। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम चला लेंगे। ये सौंफ का शरबत बन के तैयार है। इसका कलर कितना बढ़िया आया है, नेचुरल कलर है। इसमें हमने किसी रंग का या फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया है, ये सौंफ का अपना कलर है और ये नेचुरल है एकदम। अब इसको आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।